हाँ जी भाइयों, कैसे हो आप सब। तो अभी हॉनर जो है वो इंडिया में कमबैक करने वाला है, ये तो सभी लोगों को अब तक पता चल ही गया है। और जैसे माधव सेठ जो एक समय रियलमी के सीईओ थे, उन्होंने रियलमी से रिजाइन कर दिया और अभी वो हॉनर के साथ में स्पॉट किए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिए कि वो हॉनर के साथ काम कर रहे हैं या फिर हॉनर के सीईओ बन चुके हैं या फिर जो भी चीज़ें आप कह लो, लेकिन वो कुछ हॉनर के इवेंट्स में स्पॉट हो चुके थे। तो ये इमेज आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने जो रियलमी के साथ काम करते थे वो लोग जो है अभी हॉनर के साथ में ज्वाइन हो चुके हैं, मतलब 10-15 लोग थे। तो ऐसे कुछ चीजें भी निकल के बाहर है अभी, ये कितने हद तक सही है गलत है ये चीजें नहीं पता है मुझे। लेकिन हॉनर अभी बहुत बड़ा कमबैक करने वाला है अपने हॉनर 90 सीरीज के साथ में। हाँ दोस्तों, मतलब इस सीरीज में कितने स्मार्टफोन होंगे क्या होंगे ये पता नहीं है, लेकिन हॉनर 90 ये जो स्मार्टफोन होगा वो तो बहुत गजब का होने वाला है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके पूरे स्पेसिफिकेशन लिस्ट होकर आ चुके हैं, इसकी प्राइसिंग भी लिस्ट होकर आ चुकी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और कैसा है ये स्मार्टफोन हॉनर के लिए बड़ा कमबैक हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको हॉनर के बारे में सारी चीजें बताई दी कि ये कैसे कमबैक कर सकता है, मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है हॉनर पर, तो वीडियो भी आप लोग देख लेना। और जैसे अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हॉनर के साथ में माधव सेठ वगैरह जुड़ चुके हैं, तो देखा जाए तो हॉनर जो है वो पहले भी ब्रांड, मतलब अभी तक ब्रांड है वो, ऐसा नहीं है कि पूरा बंद हो चुका है। हॉनर इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा अपने स्मार्टफोन सेल करता है, जैसे कि उनकी मैजिक सीरीज हो गए या फिर कोई भी स्मार्टफोन क्यों ना हो, लैपटॉप का भी मार्केट इंडिया में अभी तक चलता है। हॉनर पूरा का पूरा इंडिया में बंद नहीं हुआ है, कई कई चीजें उनकी चलती है। बस हाँ, स्मार्टफोन जो है वो उन लोग ने मैन्युफैक्चर करना बंद किया है, मतलब 3 साल हो गए, उसके बाद में उन लोग ने कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है। तो अभी फाइनली हॉनर 90 जो पहले ही चाइना में लॉन्च चुका है, ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है और वो भी सितंबर में। तो स्पेसिफिकेशन देखते हैं फटाफट से कि इसमें आपको क्या मिलेगा। तो डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस का 1.5K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा, साथ में आपको 120 हर्ट्ज का 3840 हर्ट्ज PWM का जो है रेजोल्यूशन डिस्प्ले में मिलेगा। मतलब डिस्प्ले देखा जाए तो पूरा कमाल का होने वाला है, चाहे वो रिफ्रेश रेट के मामले में कहो, डिस्प्ले पैनल के मामले में कहो या फिर उसमें जो कर्व है वो कहो, तो डिस्प्ले एक पूरा पावर पैक होगा। इसके अलावा इसमें आपको 4nm का चिपसेट मिलेगा जो सैमसंग का प्रोसेसर हो सकता है या फिर स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 ये चिपसेट मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक तो चिपसेट मिलेगा, कुछ श्योर नहीं है, लेकिन स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 थोड़ा सा बेटर लगा मुझे, अगर होता है तो इस चिपसेट के साथ में आना चाहिए। बाकी आपको इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 मिलेगा। और हाँ, अभी ये भी चीज आती है कि क्या आपको इस स्मार्टफोन में प्ले स्टोर मिल जाएगा या फिर इसमें जो ऑनर का OS था, मतलब हुआवी का OS था, हार्मनी OS, वो आपको मिलेगा या नहीं, ये अभी कन्फ्यूजन है। तो ये अभी चीजें वो क्लियर करेंगे कि इसमें आपको कौन सा OS मिलेगा। शायद से कंपनी की तरफ से कुछ नया OS आ सकता है, क्योंकि अभी OS वगैरह कुछ भी नहीं है इनके पास, तो ये कुछ पार्टनरशिप कर सकती है गूगल के साथ में। तो हाँ, क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड OS ऐसी कुछ चीज़ें आपको मिल सकती है, एंड्रॉयड 13 पर ये काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इसके कैमरा में। हाँ दोस्तों, हॉनर के स्मार्टफोन्स हमेशा कैमरा के मामले में टॉप क्लास रहते हैं, चाहे क्लैरिटी हो या फिर कुछ भी हो, कैमरा के मामले में हमेशा नंबर 1 रहते हैं। और इसी की वजह से जो है इंडिया में इनके स्मार्टफोन ज़्यादा बिकते थे, तो वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी के बिल्ड देते थे स्मार्टफोन को, कैमरा के मामले में, डिजाइन के मामले में। तो हाँ, ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से ज्यादा स्मार्टफोन्स इनके बिकते थे। और ऐसा नहीं है कि इनके स्मार्टफोन सेल नहीं होते थे, इसकी वजह से ये कंपनी बंद हो गई, आउट ऑफ इंडिया चली गई, मतलब हाँ इंडिया से चली गई, ऐसा नहीं था। इनका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह था वो संभालने लायक कोई आदमी या फिर कोई भी नहीं था इनके कंपनी में, मतलब इनके स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे थे बराबर से या फिर इनके कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसी वजह से उनको जो है वो अपना इंडिया में शट डाउन करना पड़ा। और बड़ा रीजन तो हुआवी का भी था जिसने हॉनर को छोड़ दिया, तो ये भी रीजन था। तो हाँ, आप ये मत समझना कि हॉनर जो है वो इंडिया में स्मार्टफोन्स ना चलने की वजह से बंद पड़ गया, ऐसा नहीं है, हॉनर के स्मार्टफोन्स अभी भी लोग खरीदेंगे। तो हाँ, अभी वापस से वीडियो पर आते हैं। तो कैमरा सेटअप की बात करें तो 200 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसमें मैं कोई भी आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि डिटेल में इसकी जानकारी लीक नहीं हो चुकी है, लेकिन हाँ 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, मतलब आपको 4K तक रिकॉर्डिंग मिलेगी और 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पर आप रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो ये चीजें हैं। सेल्फी भी आपको बड़ी साइज, मतलब बड़े मेगापिक्सल की मिलेगी, 50 मेगापिक्सल की, तो सेल्फी में भी कमाल की चीजें होने वाली है इस बार, चाहे वो अल्ट्रा वाइड क्यों ना हो या फिर क्लैरिटी या फिर 4K रिकॉर्डिंग क्यों ना हो, सब चीजें आपको सेल्फी में भी मिलेगी। इसके साथ में बैटरी आपको 5000 mAh की मिलने वाली, 66 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलेगा। और
ये तो रही स्पेसिफिकेशंस की चीज़ें, सितंबर में ये बोल रहा है कि लॉन्च हो जाएगा स्मार्टफोन, तो हाँ सितंबर में ज़्यादा चांसेस है इसके कमबैक करने के। और प्राइसिंग की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि 45,000 इसकी प्राइसिंग होगी। भाई मुझे तो लगता है ये बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये 30,000 की प्राइस रेंज में आता है तो बहुत सही होगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हॉनर अगर कमबैक करता है तो इसके स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा बिकेंगे और उसके बाद में उनका बहुत बड़ा ये कमबैक हो सकता है। लेकिन 45,000 मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा प्राइस हो सकती है, ज़्यादा प्राइसिंग लगी मुझे, क्योंकि 45K में और भी ज़्यादा बेटर स्पेक्स मिल सकते हैं। तो देखते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है इनको 45K प्राइस इतनी ज़्यादा रखनी पड़ रही है इसीलिए क्योंकि शायद से ये पार्ट्स वगैरह जो है वो आउट ऑफ इंडिया से लाने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी को, और एंड्रॉयड वगैरह जो भी चीज़ें है उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे लगता है प्राइसिंग जो है उन लोग ने बढ़ा दी है। अभी देखते हैं कि लोग इस पर कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, इनके स्मार्टफोन खरीदते हैं ऑनर 90 सीरीज खरीदते हैं नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो हमको जब भी लॉन्च होगा स्मार्टफोन तभी पता चल जाएगी। लेकिन अभी ये जो स्पेसिफिकेशंस है और जैसे मैंने आपको हॉनर के बारे में चीज़ें बताई है, उसे देखकर तो ये लग रहा है कि सबसे बड़ा कमबैक जो है इस साल होने वाला है हॉनर का, ये तो मैं लिख के देता हूँ आपको। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इतना ही था इस वीडियो में, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। चलो बाय गाइस, मैं मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। बाय, चलो टेक केयर।